अस्सलामु अलैकुम, आई एम फ्रॉम एंग्लो अरबिक हायर सेकेंडरी स्कूल। स्टूडेंट्स, आज हम जो है वो जो टॉपिक है हमारा वो ज्योमेट्री है। हम ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे और ज्योमेट्री में बेसिक सबसे पहले जो है वो बुक पेज नंबर 121 है। इस पर जो है वो आपकी सबसे पहले ज्योमेट्री में आपको ये डेफिनेशंस पता होनी चाहिए कि ये सिंपल डेफिनेशन है, आपको ये पता होनी चाहिए और इसकी फिगर आपको पता होनी चाहिए कि आपके पास ये किस तरह से बनती हैं। सबसे पहला डेफिनेशन है हमारे पास स्ट्रेट लाइन। आपने बहुत पढ़ा होगा लाइन या स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट। लाइन क्या होती है? ये स्ट्रेट लाइन हैज़ नो एंड पॉइंट, जिसके कोई एंड पॉइंट नहीं होती। ऐसी लाइन जिसके कोई एंड पॉइंट नहीं होते, ठीक है। देखिए दोनों तरफ जो है वो एरो बने हुए, यहाँ से याद रखें आप कि दोनों तरफ एरो बने हुए होते हैं कि इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता। एंड इट कैन एक्सटेंड ऑन बोथ साइड्स, और ये दोनों तरफ एक्सटेंड हो रही होती है। ये एरो शो करते हैं कि ये लाइन जो है वो आपकी एक्सटेंड हो रही है, ये ए की तरफ भी और बी की तरफ भी। जैसे ये फिगर आपको शो कर रही है, ये ए बी आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है जिसके अंदर जो है वो आपके पास यहाँ से भी ए की साइड से भी जो है वो इंक्रीज हो रही है और बी की साइड से भी ये इंक्रीज हो रही है। इसमें जो है वो आपके पास जो है स्ट्रेट लाइन में कोई एंड पॉइंट नहीं होता है। नंबर टू डेफिनेशन है आपकी लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट, अ लाइन सेगमेंट हैज़ टू एंड पॉइंट्स। जैसे स्ट्रेट लाइन में जो है वो कोई एंड पॉइंट नहीं होता, इस तरह लाइन सेगमेंट में जो है दोनों तरफ आपके एंड पॉइंट होते हैं। हैज़ टू एंड पॉइंट्स एंड इट कैन नॉट एक्सटेंड, और ये एक्सटेंड नहीं होती। अब ये दोनों स्ट्रेट लाइन और लाइन सेगमेंट एक दूसरे का ऑपोजिट है। ये आपको ए बी जो है वो स्ट्रेट लाइन को शो कर रहा है जिसके दोनों साइड्स पर जो है वो एरो लगे हुए हैं जो कि एक्सटेंड होती है और इसके कोई एंड पॉइंट नहीं होते। इसी तरह लाइन सेगमेंट जो है ये सी डी आपको फिगर में शो हो रही है, ये आपके पास सी डी जो है लाइन सेगमेंट, इसके टू एंड पॉइंट्स होते हैं, एक सी एंड पॉइंट और एक डी एंड पॉइंट है, और ये एक्सटेंड जो है वो नहीं होती। इट कैन नॉट एक्सटेंड, ठीक है। अब उसके बाद जो है आपके पास आ जाती है डेफिनेशन रे की। रे दोनों से मिलके बनी हुई है। इसमें जो है अ लाइन विद वन एंड पॉइंट, एक एंड पॉइंट होता है एंड इट कैन बी एक्सटेंड इन वन डायरेक्शन, और ये एक डायरेक्शन में एक्सटेंड हो रही होती है। अब ये वाई की साइड से अगर आप फिगर को देखें तो आपके पास जो है एक्स जो है इसके ऊपर आपका एंड पॉइंट है और जो y है ये आपकी एक्सटेंड हो रही है, एरो लगा हुआ है, इसका मतलब है कि ये आपकी एक्सटेंड हो रही है। यानी आपके पास जो रे होगी वो आपके पास जो है वो उसका जो है वो एंड पॉइंट होगा और जो एरो है y जो है y पॉइंट आ रहा है ये आपका जो है वो एक्सटेंड हो रहा होगा, इसका मतलब है कि एक डायरेक्शन में ये इंक्रीज हो रहा होगा। तो इसलिए जो है ये आपके पास इस तरह से रे बनती है। आई होप आपको ये तीनों डेफिनेशंस जो हैं वो क्लियर होगी होगी और इन तीनों का डिफरेंस भी आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।